तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप मेरे होम स्क्रीन पे एक काइन मास्टर और एक इंसर्ट नाम का एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो ये काइन मास्टर आपको एडिट करने में हेल्प करेगा, ये इंसर्ट आपको एडिट में म्यूजिक डालने का हेल्प करेगा। तो फटाफट इस दोनों को जाके आप इंस्टॉल कर लीजिए। ये दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, तो फटाफट जाके आप इसको इंस्टॉल कर लो ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बता सकूँ। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि आप अपने YouTube अकाउंट पे जाओ, होम स्क्रीन पे जाओ और ऐसा स्क्रीन का कुछ स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। तो फिर आप अपने नेक्स्ट स्टेप में काइन मास्टर में जाओ। यहाँ पे मेरा काइन मास्टर खुल रहा है, फिर इधर प्लस के बटन को दबाइए, फिर एम्प्टी प्रोजेक्ट में जाइए, फिर यहाँ पे आप मीडिया ब्राउजर का ऑप्शन देख रहे हो। तो यहाँ पे मीडिया ब्राउजर का ऑप्शन में जाके आप बैकग्राउंड कुछ भी ले सकते हो। तो मैं बैकग्राउंड ये ले लेता हूँ और इसको लंबा खींच देता हूँ 20 सेकेंड तक। तो मैं फिर से जाता हूँ अपने लेयर के ऑप्शन में, फिर इमेज के ऑप्शन में जाता हूँ। मैं इमेज के ऑप्शन में जाके मैं एक मोबाइल का फ्रेम ले लेता हूँ। फ्रेम लेने के बाद मैं इसको फिट कर देता हूँ। मैं इसको फिट कर दिया, फिर मैं इसको 20 सेकेंड तक खींच देता हूँ। फिर इसको भी मैं खींच दिया। मैं इसको थोड़ा सा बाद से स्टार्ट करूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्यों करता हूँ ये। इसको इन एनिमेशन में आप ले लीजिएगा, इसको आप जो भी एनिमेशन ले लीजिए, फेड ले लीजिए या फिर पॉप ले लीजिए। मेरा हिसाब से पॉप ही ले लीजिए आप, पॉप अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे आप लेयर का ऑप्शन में देख रहे हैं, इमेज का ऑप्शन में जाइए, फिर आप स्क्रीनशॉट में जाइए। आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था फिर उसको आप ले लीजिए। लेने के बाद इसमें अच्छे से आप फिट कर दीजिए। इसमें आप अच्छे से इसको फिट कर दीजिए। इसी में जो टाइम लगता है, बाकी तो हम लोग का जल्दी ही हो जाएगा, इसमें ही थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये देख रहे हो आप मैं कैसे इसको फिट कर दिया हूँ। तो फिट करने के बाद इसको भी थोड़ा लंबा तक खींच लेते हैं, एंड तक। तो इसको भी मैं इन एनिमेशन में जाता हूँ, फिर इसको फेडेड में ले लेता हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे दिखता है, ये आप देख रहे हो कैसा लग रहा है। तो अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप जैसे कि जा रहा है, तो इसके थोड़े से बाद में आप इसको स्टॉप कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे जो सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इधर टेक्स्ट ले लो आप। टेक्स्ट में जाके आप इमोजीज में जाके एक हैंड का ऑप्शन ले लो, हैंड का ऑप्शन ये ले लो। तो फिर ये लेने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो आप, फिर इसको भी इन एनिमेशन ले लो, स्लाइड अप ले लो। लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ ये कैसा दिखता है। पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कैसा ये दिख रहा है। अब देख रहे हो कैसा लग रहा है। तो मैं इसका आउट एनिमेशन भी ले लेता हूँ। मैं इन एनिमेशन स्लाइड अप लिया था, तो मैं आउट एनिमेशन स्लाइड डाउन ले लेता हूँ। तो फिर से मैं इसको प्ले करता हूँ, फिर थोड़े देर बाद मैं स्टॉप कर दिया इसको और लेयर के ऑप्शन में गया, फिर टेक्स्ट के ऑप्शन में गया। फिर यहाँ पे एक बेल का आपको इमोजी मिल जाएगा, तो फिर बेल का ऑप्शन में जाइए आप। फिर यहाँ पे आप इसको ठीक से लगा दीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हो मैं इसको भी ऑप्शन को छोटा कर देता हूँ और मैं बेल का ऑप्शन को दबाने के लिए एक हैंड ले लेता हूँ। तो ये हैंड ले लिया मैंने, फिर इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो, तो मैं पहले बेल का एनिमेशन ले लेता हूँ। बेल का एनिमेशन लेने के लिए मैं पॉप कर लेता हूँ और फिर हैंड का एनिमेशन लेने के लिए मैं स्लाइड अप ही रहने दूंगा और फिर आउट एनिमेशन स्लाइड अप ले लिया और आउट एनिमेशन में स्लाइड डाउन ले लूंगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिख रहा है, ये आप देख रहे हो कैसा लग रहा है ये। हाँ तो दोस्तों आप देख रहे हो हम लोग का ये जो हम लोग बनाया ये कैसा लग रहा है। तो फिर आपको लास्ट एंड फाइनल स्टेप आपको इसको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। जैसे कि आप कुछ बोलना चाहते हो, जो हमारा सब्सक्राइब कीजिए, बेल का नोटिफिकेशन दबाइए, तो उसको आपको बोलना पड़ेगा। तो मैं ये छोटा कर लेता हूँ, तो आप देख रहे हो मैं अभी इधर मैं वॉइस बोल नहीं सकता क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग चालू है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये वॉइस का ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आप स्टार्ट करोगे तो आपको स्टार्टिंग हो जाएगा, तो फिर आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो आप जो जो बोलना चाहते हो। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको बोलना है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे आई हेल्पर चैनल को और साथ ही साथ प्रेस करें उस बेल आइकन को ताकि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आप देख रहे हैं हमारे ये पोर्शन बच गया है, तो इसको हम लोग कटआउट कर लेते हैं। कट कर दिया हमने, अभी जाके अभी हम लोग को ये सेव कर लेना है।
हम लोग जो बोला हम लोग को उसको सेव कर। तो फिर दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको ये शेयर के ऑप्शन में जाना है, इसको सेव वीडियो टू गैलरी कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ सेव वीडियो टू गैलरी कर लो, फिर मैं तो अभी इसको करने वाला नहीं हूँ। आप सेव वीडियो टू गैलरी कर लो, फिर बाद में इधर मीडियम क्वालिटी में सेव कर लीजिएगा। तो सेव करने के बाद मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। ये इंसर्ट हमने ओपन कर रहा है, तो इंसर्ट में आप वीडियो का ऑप्शन देख रहे हो, तो इस वीडियो का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप इधर में कुछ भी मतलब रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, जैसे कि हम लोग ने रिकॉर्डिंग लिया था। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये इधर में रिकॉर्डिंग आप ले लो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। ये आपने देखा मेरा रिकॉर्डिंग है, तो फिर इधर में फिट के ऑप्शन में जाइएगा, ओरिजिनल के ऑप्शन में जाइएगा। तो ओरिजिनल के ऑप्शन में जाने के बाद इसको राइट क्लिक कीजिए, फिर म्यूजिक के ऑप्शन में जाओ। म्यूजिक इधर में आपको बहुत सारा म्यूजिक मिल जाएगा, तो आप यहाँ से कोई भी म्यूजिक चूज कर लो। तो यहाँ पे मैं इसको यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप म्यूजिक का वॉल्यूम में आप थोड़ा कम कर दीजिए, अभी आप देखो कैसा लगता है। तो आप इसको यस ऑप्शन में क्लिक कर लीजिएगा, फिर सेव के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो यही बोलना था, फिर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो फिर नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दिया, और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जल्दी दूंगा।